कक्षा 10 विषय हिंदी काव्यक्रम 5 लेकर मैं सतीश पंडित आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। विद्यार्थियों, इस वीडियो में मैं हिंदी साहित्य की प्रख्यात कवित्री, प्रख्यात कृष्ण भक्त मीराबाई के पदों की समीक्षा करूँगा। विद्यार्थियों, श्री कृष्ण के प्रेम में रंगी मीरा का नाम शायद ही भारतवर्ष में किसी ने न सुना हो। वह प्रसिद्ध कवयित्री थी। उनका जीवन कृष्णमय था। कृष्ण की भक्ति के उत्तम काव्य उनके साहित्य में देखे जाते हैं। वह स्वयं भी श्रेष्ठ कृष्ण भक्त रही है। मीराबाई के बारे में किसी कवि ने कहा है, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी गुने गाने लगी, ऐसी लागी लगन महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहलाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। विद्यार्थियों, मीराबाई एक ऐसा पात्र है जो हमें यह सीख देता है कि अपने भगवान के प्रति किस प्रकार की भक्ति होनी चाहिए। मीराबाई ने अपने ही एक पद में कहा था, हेरी में तो प्रेम दीवानी मारो दर्दन जाने कोई, मारो दर्दन जाने कोई, हेरी में तो प्रेम दीवानी मारो दर्दन जाने कोई, मारो दर्दन जाने कोई, सूली ऊपर सिज हमारी किस विध सोना हो, गगन मंडप में सिज पिया की किस विध मिलना हो, हेरी में तो प्रेम दीवानी मारो दर्दन जाने कोई, मारो दर्दन जाने कोई। विद्यार्थियों, मीराबाई भगवान कृष्ण की परम भक्त थी और भक्ति के क्षेत्र में उन्हें जो तकलीफें उठानी पड़ी और अपने परम तत्व भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए उन्हें लोकलाज भी खोनी पड़ी, इस काव्य में अर्थात कक्षा 10वीं के काव्यक्रम 5 में कुल 3 काव्य दिए हैं। मीराबाई के 3 पद दिए हुए हैं। प्रथम पद हम देखते हैं, मैं उसका भावार्थ यहाँ पे प्रस्तुत करना चाहूँगा। उससे पहले मैं काव्य आपको समझाता हूँ। मेरे तो गिरे धरे गोपाल दूसरो ना कोई, मेरे तो गिरे धरे गोपाल दूसरो ना कोई, दूसरा ना कोई साधो सकल लोक जोई रे, मेरे तो गिरे धरे गोपाल दूसरा ना कोई, भाई छोड़या बंधु छोड़या सगा सोई रे, साधु संग बैठी लोकलाज खोई रे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, भगत देख राजी हुई जगत देख रोई रे, असुवन बल सींची प्रेम मगन होई रे, मेरे तो गिरधर गोपाल
दूसरो ना कोई। मीरा बाई कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल, मैं तो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम प्रेम में रंगी हुई हूँ। मुझे तो भगवान श्री कृष्ण का प्रेम सर्वोत्तम लगता है और उनके प्रेम में हमेशा मैं रंगने वाली हूँ। क्योंकि मेरा कौन है, मेरे तो गिरिधर गोपाल, गिरी को धारण करने वाले श्री कृष्ण ही मेरे स्वामी हैं और मैं उनके ही रंग में रंगी हुई हूँ। दूसरा ना कोई, साधो सकल लोक जोई। हे दुनिया वालों, मैंने पूरी दुनिया देख ली है, लेकिन मुझे मेरे गिरी को धारण करने वाले जिन्होंने अपनी उंगली में गिरी को धारण कर दिया था, गोवर्धन पर्वत धारण कर दिया था, वही मेरे स्वामी है। भाई छोड़या, बंधु छोड़या, छोड़या सगा सोई रे। मैंने अपने भाई बंधु सगे संबंधियों को त्याग कर भगवान श्री कृष्ण की शरण प्राप्त कर ली है। साधु संग बैठी बैठी लोक लाज खोई। मैं साधु संतों के करीब स्थान प्राप्त कर चुकी हूँ और इसीलिए लोग कहते हैं कि मैंने लोकलाज खो दी है, मैंने शर्म का त्याग कर दिया है। भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई। इस दुनिया में भगवान के भक्तों को देखकर मैं बहुत खुश हुई, लेकिन यह दुनिया की स्थिति जो है उसको देखकर दुखी हुई, क्योंकि दुनिया अनेक प्रकार की मोह माया में फंसी हुई है। अशुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। गिरधर गोपाल के विरह में मैं निरंतर बहते हुए आंसुओं से प्रेम रूपी लताओं को सींच रही हूँ। दधी मथी घृत काढ़ी लियो डार दही छोई रे। जिस प्रकार दही को मथने पर मथानी को एक तरफ रख दिया जाता है, मैंने इसी प्रकार भवसागर का मंथन कर श्री कृष्ण प्रेम रूपी सार तत्व को प्राप्त कर लिया है। राणा विष को प्यालो भेजो पिय मगन होई। राणा ने अर्थात मेरे देवर राणा ने मुझे मारने के लिए जहर का प्याला भेजा और मैंने भी हंसी खुशी वह पी लिया। विद्यार्थी भाइयों, मीराबाई जो थी उनका एक राज परिवार में ब्याह हुआ था, लेकिन उनके पति भोजराज की कुछ वर्षों के बाद मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के बाद मीराबाई भगवान कृष्ण के रंग में और रंग गई और वह राजमहल का त्याग कर राजमहल के आसपास के मंदिर में जाकर भगवान कृष्ण की भक्ति किया करती थी। राज परिवार को, उनकी सासू को तथा उनके देवर को, मीराबाई के देवर को, राणा को यह अच्छा नहीं लगा था। उन्हें ऐसा लगता था कि मीराबाई राज परिवार की मान मर्यादा को भूल रही है, उन्हें आम जनता के बीच में जाकर के भक्ति नहीं करनी चाहिए। यदि उन्हें भक्ति करनी हो तो राजमहल में ही मंदिर है, वहीं भक्ति करे। लेकिन मीराबाई तो आम भक्तों के बीच में जाती थी, साधु संतों के बीच में जाती थी, इसलिए उनके देवर राणा ने उसे मारने के लिए दूध में जहर डालकर दे दिया और मीराबाई हंसते हंसते वह पी गई। लेकिन मीराबाई को जो दर्द हुआ उसने सहन कर लिया, किंतु भगवान ने मीराबाई की जान नहीं लेने दी और भगवान के आशीर्वाद से मीराबाई बच गई। इसलिए मीराबाई कहती है, राणा विष को प्यालो भेजो पिय मगन होई रे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। अब तो बात फैल गई जाने सब कोई, मीरा राम लगन लागी होनी होई सो होई। मीराबाई कहती है, अब तो पूरी दुनिया को पता चल गया है कि मैं ऐसी कृष्ण भक्त हो गई हूँ कि वह आम लोगों के बीच में जाकर के भी भगवान की भक्ति करते हूँ। अब जो होना हो सो हो मेरा, चाहे मुझे राज परिवार में से निकाल दिया जाए, चाहे रहने दिया जाए, वह सब भगवान कृष्ण के बस में है। भगवान कृष्ण जैसा सोचे ऐसा मैं करूँगी। विद्यार्थियों, मीराबाई को बहुत हैरानगति का सामना भी करना पड़ा था, इसीलिए उन्होंने राज परिवार का त्याग किया और राज परिवार को त्याग करके वह वृंदावन चली गई।
वृंदावन मंदिर में रही, वहाँ आसपास कृष्ण की भक्ति करती रही, लेकिन वहाँ भी उसका मन नहीं लगा, लोगों की स्वार्थ वृत्ति को वह भांप गई थी, इसलिए वह बाद में द्वारिका चली गई और द्वारिका में जाकर के भगवान कृष्ण की भक्ति करती रही। जीवन के अंतिम दिनों तक मीराबाई द्वारिका में रही थी। तो यह प्रथम पद हमने देखा, जिसमें हमने देखा कि मीराबाई को जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ा, लेकिन मीराबाई कहती है मैं तो कृष्ण की भक्ति करती थी, करती रहूंगी और जब तक जीवन है मैं कृष्ण की भक्ति ही करूंगी। अब दूसरा एक पद है मीराबाई का, बहुत प्रख्यात पद है, वह मैं आपको गा करके सुनाता हूँ। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोल के दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोल के दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो, पायो जी मैंने कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, खर्चे नहीं कोई चोरन लेवे, खर्चे नहीं कोई चोरन लेवे, दिन दिन बढ़ते सेवायो, पायो जी मैंने दिन दिन बढ़ते सेवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, सत की नाव के वटिया सतगुरु, सत की नाव के वटिया सतगुरु, भव सागरी तरी आयो, पायो जी मैंने भव सागर तरी आयो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरखिया रखी जैसे गायो, पायो जी मैंने हरखिया रखी जैसे गायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीराबाई कहती है कि मुझे मेरा राम मिल गया है, मुझे मेरे राम रूपी रत्न धन की प्राप्ति हो गई है, अब मुझे और क्या चाहिए। अब वस्तु अमोलक दी मारे सतगुरु, मेरे सतगुरु ने मेरे आचार्य गुरु महोदय ने मुझे कृष्ण भक्ति दे दी है और यह कृष्ण भक्ति के कारण मुझे सब कुछ मिल गया है। मानो ऐसा लगता है कि मेरे सतगुरु ने मुझे अमूल्य भेंट दी है, वह इतनी अमूल्य भेंट है कि जन्म जन्म तक चलने वाली भेंट है, जन्मों जन्म को सुधार सकती है यह भेंट। यानी कृष्ण की भक्ति, राम की भक्ति जो है वह जन्मों जन्म तक चलने वाली भक्ति है। भगवान की भक्ति कभी नहीं मिट सकती, वह हमेशा बनी रहती है। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, इस भक्ति को खर्च भी नहीं किया जा सकता। यानी हम खर्चा करते हैं भगवान की भक्ति का तो वह बढ़ती ही जाती है। खर्चे नहीं कोई चोर भी उसे नहीं चुरा सकता, भगवान के नाम को कौन चुरा सकता है, कोई नहीं चुरा सकता। वह दिन ब दिन बढ़ती जाती है, सवाई बढ़ती जाती है। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, सत्य की नाव जो है और उसका खेवन हार यदि सदगुरु है, गुरुवर्य है, तो फिर भव सागर पार मैं अवश्य करूंगी। उन्हें विश्वास है कि मैं भव सागर पार करके भगवान के धाम तक अवश्य पहुंच जाऊंगी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरखी हरखी। मीराबाई कहती है कि मेरे भगवान तो गोवर्धन पर्वत धारण करने वाले हैं, मैं बहुत आनंदित होकर के, बहुत हर्षित होकर के बार बार उनका जस गाती रहूंगी। मैं हमेशा यही कहती रहूंगी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो मीराबाई कहती है मैं जीवन भर भगवान की भक्ति करती रहूंगी। मीराबाई का तीसरा पद यहाँ हम देखेंगे।
पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। लोग कहे मीरा हो गई बावरी, सास कहे कुल नासी रे। जहल का प्यारा राणा भेजा, पीवत मीरा हाँसी रे। मैं तो अपनी नारायण की हो गई आप ही दासी रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बेग मिलो अविनाशी रे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। मीरा भाई कृष्ण भक्ति के दीवाने दे। किसकी दीवानी थी मीरा भाई? कृष्ण भक्ति की दीवानी दे, कृष्ण के प्रेम में वह दीवानी दे। वे अपना सब कुछ भूल गई है, बस अपने पैरों में घुंघरू बांधकर वह भगवत भक्ति में नाचने लगी है, भगवत भक्ति में नृत्य कर रही है। लोग कहे मीरा हो गई बावरी। जब मीराबाई ने ऐसा किया, पाँव में घुंघरू बांधकर वह कृष्ण के भक्ति में नित्य करने लग गई, तो लोगों ने कहा, लोग कहे मीरा हो गई बावरी, बावरी अर्थात पागल। लोगों ने कहा कि मीरा भाई पागल हो गई है, वह बावरी हो गई है। लोग कहे मीरा हो गई बावरी, सास कहे कुल नासी रे। सासू ने कहा यह कुल और खानदान का विनाश करने वाली हुई है। उसके देवर ने जहर का प्याला राणा भेजा। राणा सांगा ने मीराबाई को मारने के लिए जहर का प्याला भेजा, अर्थात दूध में जहर मिलाकर मीराबाई को पीने के लिए दे दिया, और मीराबाई उसे दूध समझकर पी गई। जहर पीने से मीराबाई को नुकसान तो हुआ, लेकिन भगवान ने मीराबाई को बचा लिया, मीराबाई की जान बच गई। इसीलिए मीराबाई कहती है कि मैंने हंसते हंसते जहर का प्याला भी स्वीकार कर लिया। मैं तो अपने नारायण की हो गई आप ही दासी रे, मैं तो अपनी नारायण की दासी हो गई हूँ। नारायण मेरे स्वामी है, मैं उनकी दासी हूँ। स्वामी और दासी का यह रिश्ता जो है वह रहेगा, हमेशा रहेगा, मीराबाई ऐसा कहती है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बेग मिलो अविनाशी रे। मीराबाई अपने भगवान को, अपने श्री कृष्ण को, कृष्ण की भक्त थी मीराबाई, इसलिए श्री कृष्ण को कहती है कि हे कृष्णा, तुम मुझे जल्दी से मिल जाओ, मैं तुम्हारे दर्शन करना चाहती हूँ। वह अपने स्वामी के रूप में श्री कृष्ण को मानती थी, और इसीलिए वह कहती है कि हे श्री कृष्ण, आपके दर्शन मुझे चाहिए, आपके दर्शन करने हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार तीन पद देखे। पहला पद मेरे तो गिरधर गोपाला, दूसरो ना कोई। दूसरा पद हमने देखा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने। तीसरा पद हमने देखा, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। लोग कहे मीरा हो गई बावरी, सास कहे कुल नासी रे। विद्यार्थी भाइयों, इस वीडियो में मैंने मीराबाई के तीन पदों की चर्चा की। दूसरे वीडियो में पाठ के प्रश्न तथा स्वाध्याय की चर्चा की जाएगी। आप सभी इस पद्य पाठ काव्य पांच को अच्छी तरह से याद कीजिए। बहुत ही अच्छे यहाँ भजन है, पद है, वह ध्यान देने लायक है। आप पदों को अच्छी तरह से समझिए। जय श्री कृष्ण।